वालेकुम नाजरीन, इस वक्त हम यूआईटी के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पे दो रोज़ा वर्कशॉप एक हुई है आईओटी के ऊपर, और इसके जो ऑर्गेनाइज़ की है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वीपीओ, और ये क्या मुखफ़ है और किस चीज़ का मुखफ़ है और इसके क्या अगराज व मकासद हैं, इसके हवाले से हम बात करेंगे। यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं समीउल्लाह जो फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हैं यूआईटी के पावर जनरेशन डिपार्टमेंट में। हम इनसे पूछते हैं कि वीपीओ क्या है और इसके इसने आईओटी को ही क्यों सेलेक्ट किया वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने में। जी समी, बेसिकली वीपीओ को जो वीपीओ स्टैंड फॉर क्या, वीपीओ स्टैंड फॉर वॉलंटियर पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन। वीपीओ को जो हमारा विजन है डिफरेंट कम्युनिटीज़ और डाइवर्स कम्युनिटीज़ के लोगों को एक जगह इकट्ठा करना है, और हमारा मिशन ये है कि यूथ को एम्पावर करना है, हमें अपने यूथ को आगे लेकर आना है। इस चीज़ के सिलसिले में हमने आईओटी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराई है। बेसिकली हमारा मकसद है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसके टोटल 17 गोल्स होते हैं जिनको हमें एक एक करके अचीव करना है। हम अपने डिफरेंट जो नहीं यूआईटी ब्रांचेस सब पे ओपन करनी है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। अभी हमारा पहला स्टेप यह था कि एजुकेशन के ऊपर काम करना, जिस तरह आप देखते हैं देखा आपने कि आईओटी के ऊपर काम करवाई, माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में और भी इसी तरीके से हम जो नहीं एनर्जेटिक वर्कशॉप कराएंगे, और इंशाल्लाह जो भी हमारे यूथ है बहुत फ़ायदा होगा उनको। अच्छा, ये आईओटी को ही क्यों सेलेक्ट किया आपने? बेसिकली आईओटी एक बहुत यूनिक चीज़ है, यहाँ पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आजकल हमारे माशरे के अंदर देखो होगा अपने वाईफाई वगैरह हर जगह चल रहा है, लेकिन उनका यूज़ ठीक नहीं आ रहा लोगों को। अब घर बैठे बैठे वाईफाई से अगर मैं शहर से आ रहा हूँ, घर बैठे बैठे मैं घर की लाइटें ओपन कर सकता हूँ, या मैं करके ऐसी ओपन कर सकता हूँ, मैं पूरे अपने आस पास की सराउंडिंग चीज़ को मैं ऑटोमेट कर सकता हूँ, जिन्हें मैं इंटरनेट के थ्रू आपस में कनेक्ट कर सकता हूँ। मुझे अब वो ज़माना चले गया कि मैं खुद के खुद जाना पड़ता था कि लाइट ऑन ऑफ करनी पड़ती थी, अब तो वो ज़माना आ गया कि घर बैठे बैठे आप जो नहीं है किसी को मैसेज करना है, या लाइक अगर आपको काम करवाना है, सिग्नल आपको ऐसा कुछ सेंड करना है कि आप चाहते हो कि मैं घर आऊं, घर आने से पहले पहले घर की लाइटें ऑन हो चुकी हूं, तो यहां पे हम आईओटी आ जाता है। अब तो जहाज़ भी चल रहा होता है कि पूरे एक पर्सन बैठा होता है, वो एक बात कर रहा होता है, जब डिफरेंट लोग जो बैठे होते हैं वो सुन सकते हैं। आईओटी हमारे पास इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ जाती है कि हम सारी चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हैं। इनफैक्ट गाड़ी हो गई, लाइट्स हो गई, होम ऑटोमेशन हो गई, इंडस्ट्री हो गई, मैं घर बैठे बैठे इंडस्ट्री के अंदर मैं ना भी जाऊँ तो उस चीज़ को मैं ऑटोमेट कर सकता हूँ कि खराबी आ जाए, घर बैठे बैठे उस चीज़ को मैं ठीक कर सकता हूँ। अच्छा समी, ये बताएं, एक माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है और बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है, लेकिन दूसरी तरफ वालदैन को और दीगर लोगों को ये शिकायत होती है कि जो लोग इस किस्म के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करते हैं, वॉलंटियर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं या प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने में, उनकी पढ़ाई बड़ी मुतासर होती है, इसके बारे में आपकी क्या है? एक्चुअली अगर आपने मेरी स्पीच सुनी होगी तो उसमें मैंने एक बात कही थी कि हम सिर्फ पहचाने जाते हैं अपने प्रोफेशन से और अपनी डेजिग्नेशन से, लेकिन हम लोग अगर कोई वॉलंटियर काम कर, हमारे कौम के अंदर हमारे यूथ पे एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है बहुत वॉलंटियर्स के बारे में कि अगर वैसा वॉलंटियर हो तो भाई तुम खारी काटोगे, तुम्हें कोई काम करनी है, तुम्हारी लाइफ में कोई काम नहीं आएगा। लेकिन एज अ वॉलंटियर आप सदका भी देते हो ना, ये भी एज अ वॉलंटियर कहलाता है हमारे पास। किसी की मदद करना, रास्ते से कोई कांटा हटा देना, ये भी एज अ वॉलंटियर हमारे पास कहलाता है। इसके फ़ायदे बहुत हैं। अगर अपनी सी वी के अंदर एज अ वॉलंटियर लिखाएगा कि हाँ भाई सोशल वर्क अगर आपने करा है, तो उस चीज़ के बंदे की पर्सनैलिटी निखर के आती है कि हाँ भाई बंदा अपने साथ साथ अपने सराउंडिंग के लोगों को भी कितना अच्छा तो नहीं समझ सकता है। तो ये इस वजह से हम लोग पढ़ाई कितनी मुतासर होती है, पढ़ाई आप क्लासें लेते हैं या बस यही काम करते हैं? नहीं, क्लासें हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी, हमारी क्लासेस होती है, उसके बाद हमारे ये इवेंट होता है। हम क्लासे लेने के बाद जो टाइम बचता है हमारे पास, छुट्टी होती है, उसके बाद हम थोड़ा टाइम यहाँ पे देते हैं, उसके बाद घर जाके मैनेज करते हैं। इस चीज़ों से हम टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं। ये इंसान की ज़िंदगी में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है टाइम मैनेजमेंट। जो बच्चे टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं वो कामयाब है, जो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते वो ज़िंदगी भर रोते रहते हैं कि यार मैंने ये नहीं करा, मेरा टाइम निकल गया, मेरा वो टाइम निकल गया। इससे हमारा टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया समी। नाज़रीन, आपने देखा कि ये वॉलंटियर भी हैं और पढ़ाई पे भी तवज्जो देते हैं, और बहुत अच्छा प्रोग्राम इन्होंने आईओटी के ऊपर ऑर्गेनाइज़ किया है। और उस्मान इंस्टीट्यूट बहरहाल एक बहुत अच्छा नाम है कराची शहर के अंदर तालीमी इदारों के अंदर। तो बहरहाल सेशन में अभी इतना ही, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है।